फ्रॉम सक्सेस कोचिंग क्लासेस। चैप्टर 4 10th स्टैंडर्ड में साइंस में हमने चैप्टर 4 आधा कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने स्टार्ट किया फंक्शनल ग्रुप, आगे ना फंक्शनल ग्रुप ने हमें दो देख लिए है, एक देख लिया है अल्कोहल, दूसरा देख लिया है हैलोजन। एक बात कर ली हमने अल्कोहल की, दूसरी बात कर ली हमने हैलोजन के बारे में बात कर ली है, ठीक है। अल्कोहल और हैलोजन के आईयूपीएसी में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिए है। अभी हम पढ़ेंगे नया फंक्शनल ग्रुप यहाँ से। ओके, स्टार्ट करने से पहले आप मेरा वीडियो डेली बाय डेली फॉलो कर रहे हो, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे आपको मेरे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे, ठीक है। नाउ अभी 5 फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में है, उसमें से 2 फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप बाकी है, ठीक है। 5 फंक्शनल ग्रुप में से 2 फंक्शनल ग्रुप हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया है, अल्कोहल और हैलोजन। नाउ 3 बाकी है, अभी ये 3 फंक्शनल ग्रुप उसमें से मैं 3 साथ में लूंगा। 3 तीसरा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा है वो है एल्डिहाइड, चौथा है वो है एल्डिहाइड। एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा है वो है एल्डिहाइड, और पांचवा फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा कीटोन। कौन सा है? कीटोन। टोटल 5 है, 2 उसमें से हमने स्टडी कर लिए है। कौन से? हमारे सिलेबस में भाई इंडिया में तो बहुत सारे है, हमारे सिलेबस के मुताबिक 5 फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट हमने अल्कोहल स्टडी कर लिया है, ये तो खास याद रखना, ये अल्काइल सीरीज से ही आपको फंक्शनल ग्रुप मैच कर पाओगे, ठीक है। हम जानते हैं इसको बोलते हैं अल्काइल सीरीज, ये है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल पेंटेन। अभी इसको हम कंबाइन करेंगे, जैसे कि हमने कल किया था, लाइक अल्कोहल में लाइक हैलोजन में, बराबर बराबर हमने पढ़ा था अल्कोहल हैलोजन क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में हमने स्टडी कर लिया है। 2 फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं, अभी 3 आज हम स्टडी करेंगे, उसमें से फर्स्ट कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट कौन सा है? थर्ड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्डिहाइड और कीटोन। अभी ये 3 फंक्शनल ग्रुप में एक साथ ही लूंगा, क्योंकि ये 3 फंक्शनल ग्रुप में कुछ डिफरेंस नहीं है, 3 एक जैसे है, बराबर। ये 3 फंक्शनल ग्रुप एक जैसे है, और ये 3 फंक्शनल ग्रुप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलते हैं, बनते हैं, याद रखना खास। ये 3 फंक्शनल ग्रुप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, ये 3 फंक्शनल ग्रुप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। कौन से? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और लास्ट है कीटोन, बराबर। फिर से बोल रहा हूँ, कल हमने 2 स्टडी कर लिया है, एक अल्कोहल दूसरा हैलोजन। नाउ आज 3 स्टडी करेंगे, ठीक है। उसमें फर्स्ट है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी ये 3 फंक्शनल ग्रुप में एक नई चीज आ रही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन प्रेजेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन प्रेजेंट होगा। इसमें खास सुनो, ये 3 फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाले हैं। हमने अल्कोहल में क्या पढ़ा है? उसमें खाली OH था। हम हैलोजन में क्या पढ़ा है? CLBrFi। हैलोजन में क्या पढ़ा है? CLBrFi। ये सुनो, और अल्कोहल सफिक्स में आ रहा था भाई, कंफ्यूज मत होना, अल्कोहल सफिक्स में था, हैलोजन प्रीफिक्स में था, लाइक क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाँ क्या ना, उसमें लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, बराबर। वो जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े वहां पे अंदर कार्बन नहीं आ रहा था, हम कार्बन से जोड़ रहे थे उसको, बराबर। लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, अल्कोहल में आता है खाली OH, हैलोजन में क्या आता है? CLBrFi और F, बराबर। अभी ये 3 फंक्शनल ग्रुप जो हम पढ़ रहे हैं आज, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये 3 फंक्शनल ग्रुप कार्बन पहले से ही आता है, ये 3 फंक्शनल ग्रुप में कार्बन पहले से ही आता है। एग्जांपल लेता हूं, नोटिस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे बना रहा हूं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, खास सुनना, कार्बन के हम जानते हैं 4 वैलेंसी होती है, हां के ना, यू नो वेरी वेल, कार्बन है 4 वैलेंसी, सुनो ध्यान से। सपोज कि हम जानते हैं कार्बन की
चार वैलेंसी होती है और ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, यस और नो? कार्बन की चार वैलेंसी होती है और ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? डबल बॉन्ड। बराबर, कार्बन की चार वैलेंसी थी उसमें से दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ भाग गए। कार्बन की चार वैलेंसी थी उसमें से दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ भाग गई। बराबर, कितनी बाकी रही इसकी? दो वैलेंसी बाकी रही। दो वैलेंसी में सुनो ध्यान से, फिर से ऑक्सीजन आता है, पहले आरडीएच बना रहा हूँ, सपोज कि आप पहले आरडीएच सिखा रहा हूँ कैसे बनता है, उसके ऊपर से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, ठीक है? पहले आरडीएच बोल रहा हूँ कैसे होता है, मैंने क्या बोला, कार्बन की चार वैलेंसी होती है, कार्बन की चार वैलेंसी में से दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ भाग गई और दो वैलेंसी बाकी रही। अभी एक वैलेंसी मैंने सपोज की आरडीएच से कंप्लीट की, किससे कंप्लीट की मैंने, एक से, पता रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बन की चार वैलेंसी थी, दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ भाग गई, एक वैलेंसी मैंने एक से पूरी की, तो क्या बन गया, CHO, क्या बन गया, CHO। अभी ये एक वैलेंसी बाकी है, इसको बोलते हैं बॉन्ड CHO, ये एक वैलेंसी बाकी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड CHO, एंड बॉन्ड CHO इज नोन एज एल्डिहाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इज इट क्लियर नाउ? बॉन्ड CHO इज नोन एज एल्डिहाइड। अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट केस पर लिसन केयरफुली, सुनो ध्यान से, फर्स्ट केस में क्या किया मैंने, इसकी सारी मैंने कार्बन की चार वैलेंसी थी, दो वैलेंसी मैंने ऑक्सीजन के साथ खत्म कर दी, एक वैलेंसी मैंने हाइड्रोजन कंप्लीट कर दी, तो क्या बन गया मेरा, एल्डिहाइड बनना कि नहीं बनना, यस और नो? बराबर, दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, एक वैलेंसी एच के साथ। अभी वही चीज कार्बन की चार वैलेंसी होती है, मैं दो वैलेंसी ऑक्सीजन से कंप्लीट कर रहा हूं और बाकी क्या रहती है, दो वैलेंसी होती है। बराबर, अभी इसमें और एक ऑक्सीजन में ऐड कर रहा हूं, हम जानते हैं ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, दो, वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी इसके साथ, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी मैं कंप्लीट कर रहा हूं एच के साथ। बराबर, एक का एक इसके साथ, एक इसके साथ, दो कार्बन की चार वैलेंसी थी उसमें से दो वैलेंसी गई ऑक्सीजन के साथ, एक वैलेंसी कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, एक बाकी रहती है, हमको जानते हैं ये सबकी एक वैलेंसी बाकी रखनी है, हमको सबकी एक एक वैलेंसी बाकी रखनी है, जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए एक वैलेंसी बाकी रहती है। यहाँ पे क्या किया मैंने, कार्बन की चार वैलेंसी थी उसमें दो ऑक्सीजन के साथ जोड़ दी। बराबर, एक यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, पर ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए, वो डबल वैलेंसी होती है, तो इसकी एक वैलेंसी बाकी जो मैंने जोड़ दी एच के साथ, क्या बन गया, COOH, एक मिनट बाकी है ना, लिखा था किसे, बॉन्ड से, COOH, इसको हम क्या बोलते हैं, दो हुए ना, एक हो और दूसरा हो, कितने हो हुए, दो हुए, इसको हम बोलते हैं COOH, बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOH, इसको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम क्या बुलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड बॉन्ड CHO, इसको हमने एल्डिहाइड, इसको हम क्या बुलाते हैं, एल्डिहाइड बुलाते हैं, ठीक है, क्लियर होगा, बॉन्ड सी डबल ओ एच तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉन्ड सी एच ओ तो एल्डिहाइड, मैंने बोला कैसे बनता है, एल्डिहाइड में कार्बन की दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, एक वैलेंसी एच के साथ, एक वैलेंसी बाकी रहती है, थ्री वैलेंसी के साइड है, बन गया बॉन्ड सी एच ओ, उसके बाद कार्बन की दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, एक वैलेंसी ओ एच के साथ, पूरा क्या बन गया, ओ एच बन गया, यानी क्या बन गया, सी डबल ओ एच, यानी मिल गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। और कीटोन में, कीटोन में कार्बन में दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट होती है, लाइक दिस, कार्बन की दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट होती है और दो वैलेंसी बाकी रहती है। बराबर, कीटोन में क्या होता है, कार्बन की चार वैलेंसी होती है उसमें से दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट होती है और दो बाकी रहती है। अभी सुनो ध्यान से, कीटोन में प्लस पॉइंट है, कीटोन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम थ्री कार्बन, याद रखना, कीटोन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम थ्री कार्बन, कीटोन आपको स्टार्ट करना हो उसके लिए आपको तीन कार्बन चाहिए, उसका रिजल्ट मैं बाद में बोलता हूँ, ठीक है, मतलब कीटोन मतलब क्या होता है, अभी सी डबल बॉन्ड हो उसके दो वैलेंसी बाकी, क्योंकि कार्बन चार वैलेंसी होती है ना, उसमें से दो वैलेंसी हमारे ऑक्सीजन के साथ गई और दो बाकी रही, तो सी डबल ओ एच इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, सी एच ओ इज नोन एज एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ इज नोन एज कीटोन, इतना क्लियर हुआ, सी डबल ओ एच तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सी एच ओ तो एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ की
आपको ये तीन याद रखने हैं, सी डबल ओ एच बोन्ड, सी डबल ओ एच तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बोन्ड सी एच ओ तो एल्डिहाइड, बोन्ड सी डबल ओ यानी कीटोना। हुआ इतना क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ स्टार्ट करते हैं हम टेंथ पैटर्न अभी। फर्स्ट ले रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के आईपीएसी नेम को पढ़ने क्या है आईपीएसी नेम। तो फर्स्ट उसमें आज का ले रहा हूं तीसरा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं बॉन्ड सी डबल ओ एच बराबर। अभी मैंने पहले क्या बात की कि भाई ये तीनों फंक्शनल ग्रुप कैसे है, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप ऐसे है जहां पे कार्बन एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, सब में कार्बन तो एक आ ही रहा है, यानी कि हमको आईयूपीएसी नेम में वो कार्बन को काउंट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये तीनों फंक्शनल ग्रुप ऐसे है जिसमें ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन को हमको आईयूपीएसी नेम में काउंट करना पड़ेगा। हाँ के ना, तो डायरेक्ट हम लोग पहले मिथाइल नहीं ले पाएंगे बराबर, डायरेक्ट हम मिथाइल नहीं ले पाएंगे। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे खास ये खास अल्काइल तो आपको आता है सबकी वजह से, बाकी रहती है उसको बोलते आता है। तो सुनो खास, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक में सब रूल्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है, यस ऑर नो? तो उस कार्बन को हमको आईयूपीएसी नेम में काउंट करना पड़ेगा, तो उसको हमको आईयूपीएसी नेम में काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो लेते हैं अक्षरों ध्यान से कार्बोक्सिलिक एसिड के रूल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल में भी सफिक्स आया था हमको कल पढ़ा था हमने, अल्कोहल में और हमने सफिक्स में यूज किया था, हेलोजन प्रीफिक्स में आ रहा था, ये खुद कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है सफिक्स में आएगा तो ओइक एसिड, क्या आएगा ओइक एसिड, क्या आएगा ओइक एसिड, नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके सफिक्स में हम यूज करेंगे ओइक एसिड, क्या यूज करेंगे ओइक एसिड। एग्जाम्पल लेता हूं सी डबल ओ एच बराबर, इसकी एक वैलेंसी बाकी है, हम जानते हैं एक वैलेंसी बाकी को पहले किससे कंप्लीट करेंगे, एच से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सुनो ध्यान से, इसमें एक कार्बन ऑलरेडी है, कंफ्यूज मत होना, इसमें एक कार्बन ऑलरेडी है, आपको एक कार्बन वाला कंपाउंड बनाना हो तो आपको नेचर ही यहाँ पे क्या डालना पड़ता है एच, इसकी एक वैलेंसी एच से कंप्लीट की बराबर। कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं मीथेन, आगे ना पीछे सफिक्स में क्या लगाना है ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा मीथेनोइक एसिड, क्या बन जाएगा मीथेनोइक एसिड, बहुत इजी है, सफिक्स में हमको ओइक एसिड लगाना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सी डबल ओ एच का मैंने एक वैलेंसी एच से कंप्लीट कर दी, एक वैलेंसी एच से कंप्लीट कर दी, तो क्या बन गया एच सी डबल ओ एच बन गया, इसको बोलते हैं मीथेनोइक एसिड। ठीक, दूसरा लेते हैं सी डबल ओ एच, वही तो लेना है आपको, इसकी एक वैलेंसी बाकी है, अभी एक वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हूं मैं कार्बन से, दो कार्बन मैंने पढ़े थे, एक कार्बन अभी दो कार्बन की है, अभी इस कार्बन कितनी वैलेंसी बाकी रही, तीन बाकी रही, तो तीन एच आएगी यहाँ पे, आगे ना दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं इथेनोइक एसिड, क्या बोलेंगे अभी हम इसको इथेनोइक एसिड, यस ऑर नो? बराबर, ये सारे मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं आईयूपीएसी नेम कर रहा हूं, तेरे ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन को हमको काउंट करना पड़ेगा, कार्बन इज काउंट इन आईयूपीएसी नेम, जो आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हो ना ये तीनों, उसमें ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है तो वो कार्बन आईयूपीएसी नेम में काउंट होगा। एक कार्बन तो उसको क्या बोलते हैं मिथ ने, पीछे क्या लगाना है ओइक एसिड, मीथेन ओइक एसिड, दो कार्बन ले लिए सी डबल ओ एच फोर सी, इसकी तीन में से बाकी तुमने कंप्लीट कर दी है तीन से, हो गया आपका मीथेन ओइक एसिड। वैसे ही क्या लेना है हमको सी डबल ओ एच लेना ही है, खास समझ में आई, सपोज कि मैं तीन कार्बन ले रहा हूं, मैच तीन हो गए, एक दो तीन, इसको भी काउंट करना पड़ेगा, वही मैं जिस कम से दोहरा रहा हूं, इस कार्बन को आपको आईपीएसी नेम में काउंट करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसकी कितनी वैलेंसी बाकी रही, इसकी बाकी रही दो, इस
इसकी बाकी रहे तीन, कितने कार बने, तीन कार बने, तो क्या होगा प्रोपेनोई एसिड, यस और नो, बहुत इजी है, इसका नाम क्या होगा प्रोपेनोइक एसिड। चार कार्बन लो, फिर लास्ट में क्या लगा था हमने सी डबल ओ एच, चार कार्बन ले लो, हीमोग्लोबिन चार कार्बन हो चुके हैं, इसके तीन बने से बाकी, इसकी एक इसके साथ, एक इसके साथ दो बने से बाकी, इसकी एक इसके साथ और इसके साथ दो बने से फिर से बाकी, कितने कार्बन है, चार कार्बन है, क्या बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, क्या बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, और पांच कार्बन ले लो, एक दो तीन चार पांच, इसी का बोलो क्लास में लगा रहे हमको, इसके बारे में स्टडी कर रहे हम लोग, हाँ क्या ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसकी तीन वैलेंसी, इसकी दो चली गई, दो बाकी, इसकी भी दो बाकी, इसकी भी दो बाकी, कितने कार्बन हुए पांच, इसको हम क्या बोलेंगे पेंटेनोइक एसिड। इजी नंबर, यस और नो, इजी नंबर, कुछ हार्ड नहीं है, खाली दिमाग आपको चलाना है, ठीक है ना, उसको ध्यान दे। अभी इथेनोइक एसिड हमको एसिड बेस और सॉल्ट में आया है, इसका खास आपको कॉमन में ध्यान रखना है, एक का ही हम जानते, दो नाम होते हैं, एक होता है एलुपीएसी नेम, दूसरा होता है कॉमन नेम, एक होता है एलुपीएसी नेम, दूसरा होता है कॉमन नेम। तो इस एक एक का आपको कॉमन नेम ध्यान रखना है, इथेनोइक एसिड हमको एसिड बेस और सॉल्ट में आया था, ये एसिड कैसा है, वीक एसिड कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है, खास रखना ये कैसा एसिड है, हमने बात की थी कैसा एसिड है, वीक एसिड है, कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है, और हम लोग एसिड इथेनोइक एसिड को, इथेनोइक एसिड को कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड, खास वहां पे लिख के रखना, इट इज नोन एज एसिटिक एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे एसिटिक एसिड बोलेंगे। तो ये हुई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात, किसके बारे में बात हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या रूल्स है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है बॉन्ड सी डबल ओ एच, कार्बन की एक वैलेंसी बाकी होती है, तो पहले एक वैलेंसी मैंने एच से कंप्लीट कर दी तो क्या बन जाएगा इथेनोइक एसिड, फिर एक वैलेंसी मैंने कार्बन से कंप्लीट कर दी तो दो हो जाएंगे इथेनोइक एसिड, फिर तीन कार्बन तो प्रोपेनोइक एसिड, लास्ट में सब में सी डबल ओ सिर्फ लगाते जाओ, कार्बन बनाते जाओ, क्या बनाते जाओगे, पहले एक कार्बन तो खुद सी डबल ओ एच, फिर एच लगा दो, फिर दूसरा एक कार्बन एड करो, फिर और एक कार्बन एड करो, चार पांच कार्बन बना दे दो, क्या बनेगा मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड, उसमें इथेनोइक एसिड को कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं उसको हम एसिटिक एसिड, हुआ क्लियर, ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड वर्किंग टोन में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी नोट्स कॉपी कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा खत्म हो चुका है, हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स नेम क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड यूज करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, वो है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, वो है एल्डिहाइड, ठीक है, चौथा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, वो है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही होगा एल्डिहाइड, बराबर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एल्डिहाइड, नाउ बात करते हैं डिटेल में एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड आप जानते हो क्या होता है, बोन सी डबल ओ लाइक दिस बोन एच, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको हम लिखते कैसे हैं बोन सी एच ओ, पर ये होता है ऐसे, कार्बन की चार वैलेंसी, दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट, एक वैलेंसी एच के साथ कंप्लीट और एक वैलेंसी बाकी रहती है, ओके, और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन तीनों तीनों सफिक्स वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कोई एसिड यूज किया था, अभी एल्डिहाइड में हम यूज करेंगे सफिक्स में आल, क्या यूज करेंगे आल ए, क्या लिखेंगे आल ए, ओके क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कोई एसिड यूज किया था, इसमें हम क्या यूज करेंगे आल, ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड क्या होता है, सी एच ओ, उसकी एक वैलेंसी बाकी होती है, सी एच ओ की मैं एक वैलेंसी एच से कंप्लीट कर रहा हूँ, किससे कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, एच से कंप्लीट कर रहा हूँ, पहले एक वैलेंसी किससे कंप्लीट होती है, मैंने बात की है कि ये फंक्शनल ग्रुप में फूल पहले से क्या आते हैं, कार्बन आते हैं, तो वो कार्बन को हमको काउंट करना पड़ता है, एक कार्बन पहले से ऑलरेडी है, एक कार्बन पहले से ऑलरेडी है, एक वैलेंसी बाकी भी मैंने कंप्लीट कर दी एच से, अब एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं मीथेन, एक को हम
सफिक्स में वो क्या लगाना है, आलर्ट हो गया मिथेनॉल, क्या हो जाएगा मिथेनॉल। क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सी डबल ओ एच था और सफिक्स में यूज कर रहे थे ओइक एसिड, बट एल्डिहाइड में सी एच ओ होता है और सफिक्स में यूज करेंगे आलर्ट मिथेनॉल। अगेन दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सी एच ओ वही आएगा लास्ट में कार्बोक्लोरिक एसिड की तरह, इसकी एक वैलेंस कंप्लीट कर रहा हूं मैं कार्बन से, कार्बन की वैलेंस अभी चार होती है उसमें से एक चली गई, कितनी बाकी रही, तीन बाकी रही, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं इथेन प्लस आल, क्या हो जाएगा इथेनॉल। बहुत इजी है, चार तीन कार्बन ले लो लाइक दिस, लास्ट में कोई एक लगाना है उसे आगे कार्बन कार्बन, इसकी तीन वैलेंस बाकी रही, इसकी एक इसके साथ और एक इसके साथ दो बाकी रही, तीन कार्बन को हम क्या बोलते हैं प्रोपेनॉल। सुनो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, लास्ट में सी एचओ आगे कार्बन बनाते जाओ, ठीक है। लाइक कार्बोक्लोरिक एसिड की तरह ये सेम टू सेम है, पर उसमें ओइक एसिड का इसमें आ रहा है, ठीक है। फिर से चार कार्बन सी एचओ सी ए तीसरा चौथा, इस कार्बन की तीन वैलेंस बाकी रही, इसकी दो बाकी रही, इसकी भी दो बाकी रही, कितने कार्बन हो गए चार कार्बन, क्या बोलते हैं ब्यूटेन प्लस आल, क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। वैसे ही आप बना पाओगे पांच कार्बन से पेंटेनॉल, कुछ नहीं होगा, पांच कार्बन ले लो एक दो तीन चार पांच, लास्ट में क्या आएगा सी एच ओ, इसकी तीन वैलेंस बाकी रहती है, इसकी दो बाकी रहती है, इसकी भी दो बन गया अपना पेंटेनॉल। क्लियर, बहुत इजी है, इसको बोलते हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप सी एच ओ, इसको ने क्या होता है एल्डिहाइड सी एच ओ यानी एल्डिहाइड, सफिक्स में हम क्या यूज करते हैं आल यूज करते हैं, सफिक्स में हम क्या यूज करेंगे आल। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने ओइक एसिड यूज किया, एल्डिहाइड में क्या यूज करेंगे आल यूज करेंगे, कहां पे सफिक्स में। अगेन नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लास्ट फंक्शनल ग्रुप, चार फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे, पहले अल्कोहल था, दूसरा हेलोजन था, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड आया, चौथा आया एल्डिहाइड, ठीक है। अल्कोहल में हमने OH यूज किया था, हेलोजन में CN BR F I यस और नो, और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, एल्डिहाइड में क्या यूज किया CHO, ठीक है। नाउ ये सब डिवीजन करते हैं ना साथ में, फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ रहे हैं बराबर, फंक्शनल ग्रुप के डिवीजन बार बार करना, कि फंक्शनल ग्रुप भूल जाओगे तो आपको IUPAC नेम में दिक्कत आएगी, इसलिए फिर से बोल रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप रिपीट या रिवाइज करते रहना, ठीक है। नाउ लास्ट फंक्शनल ग्रुप वो है कीटोन, कीटोन एक ही तरह हम जानते हैं कीटोन, बट कीटोन में खासियत है कीटोन बहुत छोटा है, बराबर कीटोन बहुत छोटा है, क्या है कीटोन मतलब क्या होता है हम जानते हैं, कीटोन मतलब क्या होता है लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफ कीटोन सी डबल बॉन्ड हो, इसकी दो वैलेंस बाकी होती है, इसकी कितनी वैलेंस बाकी रहती है दो, खास याद रखना इस दोनों की दो में बाकी रहती थी, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक वैलेंस बाकी थी, एल्डिहाइड की एक वैलेंस बाकी थी, बट कीटोन की दो दो वैलेंस बाकी होती है। अभी कीटोन में सफिक्स में वन ऑन यूज करेंगे, यूज करेंगे हम लोग ऑन यूज करेंगे, या फिर आप बोलते हो वन उसको बोलते हम लोग ऑन यूज करेंगे, यूज करेंगे हम लोग ऑन, एग्जांपल देता हूं बराबर। अभी कीटोन में याद रखना खास, कीटोन है ना कीटोन सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम थ्री कार्बन, लिसन मी केयरफुली, सुनो मैं ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, कीटोन इज स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम थ्री कार्बन, कीटोन के लिए हमको मिनिमम तीन कार्बन रिक्वायरमेंट है, यानी कि इसमें मिनिमम तीन कार्बन आएंगे, उसका रीजन क्या है, सपोज कि मैं यहाँ पे एच लगा होगा, इसकी वजह से एच से कंप्लीट करूंगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, हाँ के नाम को एल्डिहाइड भी बनाना है, इसकी वैलेंसी में OH से कंप्लीट करूंगा तो लाइक दिस COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बराबर। तो खाली इतना याद रखना कि कीटोन है ना कीटोन, कीटोन लिसन मी केयरफुली, प्लस पॉइंट ऐड करना, कीटोन की कभी भी वैलेंसी एच से कंप्लीट नहीं होगी, जो हम उसकी वैलेंसी एच से कंप्लीट करेंगे ना उसी ये जो एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि कीटोन की सभी वैलेंसी हमको कार्बन से कंप्लीट करनी पड़ेगी, किसे कार्बन से आपको कंप्लीट करनी
करनी पड़ेगी, कीटोन की सभी वैलेंसी आपको कार्बन से कंप्लीट करनी पड़ेगी। और कीटोन का खाली आपको एक ही एग्जांपल हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, एक से ज्यादा दो एग्जांपल हम लेंगे बट उससे ज्यादा आपको एग्जांपल उसके नहीं लेने। एक ही एग्जांपल हमारे सिलेबस में वैसे है तीन कार्बन वाला कीटोन का, बाकी सबके पांच पांच एग्जांपल थे बट कीटोन का खाली एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है। और मोस्ट आईएमपी एक ही एग्जांपल कीटोन का याद रखना है, तीन कार्बन वाला, बाकी उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ओके, क्या बात की मैंने, कीटोन की सभी वैलेंसी किससे कंप्लीट करेंगे, कार्बन से, यहां पे भी कार्बन आएगा और यहां पे भी कार्बन आएगा। हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है चार होती है, उसमें से एक चली गई, तीन इसकी बाकी रही, तीन इसकी बाकी रही, फिर क्या बन गया CH3CO CH3। इसको ऐसे तीन तरह से मिलते हैं, दोनों बात सही है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है बराबर, CH3CO CH3 इसको ऐसे भी लिखते है। अब कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तीन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। पीछे हम क्या लगा है ओन, यानी बन गया प्रोपेनोन, क्या बुलाएंगे प्रोपेनोन, पीछे हम क्या यूज करेंगे ओन यूज करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एक ही एग्जांपल है हमारे सिलेबस में, वो है प्रोपेनोन, कैसे बनता है उसके बारे में बात कर ली। अरे प्रोपेनोन किसका आईयूपीएसी नेम है, इसका आपको कॉमन नेम याद रखना है, इसका ये आईयूपीएसी नेम था, आपको प्रोपेनोन का कॉमन नेम याद रखना है। प्रोपेनोन इज नोन एज एसीटोन, याद रखना है, क्या बोलते हम लोग एसीटोन, और एसीटोन मतलब होता है नेल पॉलिश रिमूवर। ये तो प्रोपेनोन है ना, प्रोपेनोन जिसको हम बुलाते हैं एसीटोन, वो नेल पॉलिश होता है ना, लड़कियां जब हाथ में नेल पॉलिश लगाती है तो उसको निकालने के लिए ऐसी पता है ना बोतल आती है, वो बोतल क्या होती है एसीटोन की होती है, यानी नेल पॉलिश रिमूवर है। इसे आप नाखून में घिसोगे, इससे क्या होते हैं उसमें क्या हो जाएगा भाई, ऊपर की नेल पॉलिश क्या होगी, रिमूव होगी, दैट्स व्हाई एसीटोन इज नोन एज नेल पॉलिश रिमूवर। ये क्या है, नेल पॉलिश रिमूवर है। ओके, ये बात हुई फंक्शनल ग्रुप, यहां पे खत्म होते हैं। फंक्शनल ग्रुप एक बार रिवीजन करना, दो बार रिवीजन करना, सभी फंक्शनल ग्रुप की एक बार खास लिख के अपनी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, एक बार देख के लिखना ना आए तो, और एक बार ओरली अपने आप से लिख लेना। ठीक है, आज यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट पीरियड से इसके सारे रिएक्शन आएंगे, इसलिए आईयूपीएसी नेम खास याद रखना कि किसको क्या बोलते हैं, जो आईयूपीएसी नेम नहीं आएंगे तो रिएक्शन में दिक्कत आएगी। फंक्शनल ग्रुप हो गई खत्म, अभी नेक्स्ट आएंगे वो होगी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आज यहां तक रखते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जय हिंद।